ऐसी मशीनें जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है प्लास्टर लेइंग मशीन। दीवार बनाने के काम को जल्दी से निपटाने के लिए इस स्पेशल प्लास्टर लेइंग मशीन को बनाया गया है। इसके कंटेनर में वर्कर द्वारा प्लास्टर डाला जाता है, फिर इसे आगे खींच लिया जाता है, जिससे प्लास्टर काफ़ी सफाई से कंक्रीट ब्लॉक्स पर लग जाता है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल कंक्रीट से बने ब्लॉक्स की दीवारों को जल्दी जल्दी बनाने के लिए किया जाता है। यह है जैक हैमर। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल फ्लोर पर लगी टाइल्स को हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक हैमर लगा है जो कि वाइब्रेट करते हुए टाइल्स पर साइड से प्रेशर डालता है, जिससे टाइल्स एक झटके में ही उखड़ जाती है। यह है पेवर लेइंग मशीन। बड़ी जगहों पर कंक्रीट ब्लॉक बिछाने के लिए इस एडवांस मशीन को बनाया गया है। ये मशीन कंक्रीट ब्लॉक्स के एक पूरे ब्लॉक को ही उठाकर जमीन पर बिछा देती है। ये है ऑटोमेटिक प्लास्टरिंग मशीन। दीवारों पर प्लास्टर के काम को जल्दी से निपटाने के लिए इस ऑटोमेटिक प्लास्टर लेइंग मशीन को बनाया गया है। सबसे पहले इस मशीन को दीवार के पास रखा जाता है, फिर इसमें वर्कर के द्वारा प्लास्टर को लोड किया जाता है और इसमें लगे एक बटन को दबाने के बाद मशीन अपना काम शुरू कर देती है। जिन दीवारों पर इंसानों द्वारा प्लास्टर करने में घंटों लग जाते हैं, वहीं ये मशीन इस काम को महज कुछ ही मिनटों में निपटा देती है। ये है ब्लॉक स्प्लिटर। कंक्रीट ब्लॉक्स को बिछाते समय अक्सर आपने देखा होगा कि किनारों पर थोड़ी जगह रह जाती है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह काफ़ी सफाई से भरने के लिए इन जगहों का नाप लिया जाता है और इन ब्लॉक्स पर निशान लगाया जाता है। फिर इन ब्लॉक्स को ब्लॉक स्प्लिटर के जरिए एक फिक्स शेप में तोड़कर बची हुई जगह में डाल दिया जाता है, जिससे इनके किनारे काफ़ी सफाई से अच्छी तरह भर जाते हैं। यह है मैक्स रिपर। इस मशीन का इस्तेमाल घर बनाने के बाद उनकी दीवारों पर लाइट फिटिंग के लिए नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। इंसानों द्वारा कई घंटों में होने वाले इस काम को ये मशीन महज कुछ ही मिनटों में कर देती है। ये मशीन दीवारों पर काफ़ी आसानी से नाली बनाती जाती है, वो भी बिना किसी आवाज़ और धूल उड़ाए बगैर। यह है रीबार टाइंग मशीन। इस छोटी सी एडवांस मशीन का इस्तेमाल घर की छत बनाते समय उसमें लगने वाले लोहे के सरियों को बांधने के लिए किया जाता है। ये एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसमें एक वायर का छोटा बंडल डाला जाता है, फिर इसी वायर का इस्तेमाल ये मशीन सरियों को बांधने के लिए करती है। ये मशीन एक घंटे में करीब 1000 से भी ज़्यादा सरियों को बांध सकती है। ये है ब्रिक हैंडल। ये एक काफ़ी कमाल का हैंडल है। इस हैंडल में आप एक साइज को सेट करके एक साथ कई सारी ईंटें और सीमेंट ब्लॉक्स को आसानी से उठा सकते हैं। इस हैंडल के जरिए ब्रिक्स उठाने से हाथों को होने वाले नुकसान से उन्हें बचाया जा सकता है। ये ब्रिक हैंडल 30 किलो तक का वेट उठा सकता है।